الله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء آج کا جو خطبہ جمعہ یہاں سال بورڈ میں یہ جو مسجد اس مسجد کا کیا نام جامعہ فالکیہ اور محلہ شہاب محلہ شہاب اس میں چار سوالوں کے جواب جو ہے وہ میں نے خالص علمی پروگرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حدیثیں کب لکھی گئی ہیں یہ سوال ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے اور ایک منکر حدیث بھی کر سکتا ہے منکرین حدیث یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی تھیں 250-300 سال بعد اور صرف منکرین حدیث نہیں بلکہ اور بھی جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں
मिर्जा कादियानी ने भी किसी जगह ये लिखा है कि हदीसे के जो है वो तो 250 साल बाद में इस एतराज के जवाब के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए हदीस कब लिखी गई, मैं आपके सामने सही हदीसें सही रवायतें पेश करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुराने मजीद की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हुज्जत है और इस हदीस के की हिफाजत का तीन तरीकों से एहतमाम किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तीन ऐसे वसाइल पैदा फरमाए कि उनकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सहाबा के आसार सारे मालूम। उसमें एक तरीका तो आवज़े का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम को बड़े आवज़े दिए थे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ढूंढते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना अजीम हाफसा दिया था, वो खुद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए जो है वो दुआ फरमाई थी तो मैं फिर वो नहीं भूला। जो हदीसे उस मजलिस में आपने बयान की थी कोई भी नहीं। मुस्तदरक हदीस के किताब में जिसे हाकिम नेशापुरी ने लिखा है, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 510 पर ये तो मुस्तदरक में ये वाकया लिखा हुआ है कि मरवान बिन हकम जो बनू उमैया के एक फर्द थे और गालिबन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के नाम में मदीना के गवर्नर थे, उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि मेरे बच्चे के लिए हदीसों की एक किताब लिख दे, लिखा दे, एक किताब लिखा दी। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीसें बयान करते थे, अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था, मैंने यह सुना था, आपने ये इस तरह किया था, वो एक किताब उन्होंने लिखा दी। कातिब ने किताब लिख दी, जब साल गुजर गया ना साल, उसके बाद मरवान ने कहा कि वो किताब गुम हो गई है, जो आपने मेरे बच्चों के लिए किताब लिखाई थी वो गुम हो गई है, वो हदीसें दोबारा लिखा दी। इसके बाद उन्होंने इम्तिहान लेने के लिए ली, उलमा कहते हैं कि इम्तिहान के लिए इस तरह कहना चाहिए। उसके बाद सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी कातिब को दोबारे वो हदीसें लिखा दी। लिखा है कि जब पुरानी किताब के साथ ताजा लिखी हुई हदीसों को मिलाया गया तो कोई फर्क नहीं, एक लफ्ज का भी फर्क नहीं। भाइयों ये हाफिज़ की अलम जो है मिलता है, कुराने करीम का हाफिज वो भूल जाता है। आपको ये पता होगा, आपने कितनी दफा तराबियां पढ़ी होगी, कुरान जिसे याद होता है हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ते पढ़ते भूल जाता है, वो तशाबे ला जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा इकराम को और खैरुल कुरून के लोगों को ऐसे हाफिज़े अता किए थे, ऐसे हाफिज़े अता किए थे कि उसी मिसाल ही नहीं। वो टेम की काटे से भी ज्यादा जो है वो याद भूलते ही। इस रवायत को हाकिम मुर्ज़ा भी लोगों ने सही करा। इसके बाद वाले तत्वों ने उन अदवार में भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो हदीसीन को बड़े हाफिज़ दिए। इमाम इसहाक़ बिन रावे एक हदीस के बड़े इमाम भी हैं,
ये इमाम बुखारी के दौर के इमाम इमाम अहमद बिन अहमद के साथियों में से इसहाक बिन इब्राहिम इसहाक बिन राहवे मर गिरने वाले थे ईरान में। इन्होंने हदीस की एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है अल मुसनद। क्योंकि अब 1200 साल का जमाना गुजर चुका है इसलिए ये किताब जो इस वक्त हो मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया में इसकी सिर्फ चौथी जिल्द मौजूद है। पता नहीं कितनी जिल्दों में से पहली जिल्द दूसरी जिल्द तीसरी जिल्द चौथी जिल्द मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में उसकी तस्वीर फोटोस्टेट मौजूद है तभी और चौथी जिल्द में 2000 से ज्यादा हदीसें हैं। अल्लाह ही जानता है कि कितनी 10 जिल्दों में थी किताब की जिल्द में। इमाम अबू दाऊद अल खफाफ फरमाते हैं अल्लाह अलैना इसहाक इब्न राहवे अहद अशरा अल्फ हदीस मिन हिस्से हम शागिर्दों को 11,000 हदीसे इसहाक इब्न राहवे ने जुबानी लिखा दी। यानी वो अपने मिंबर पर अपनी कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर शागिर्दों को हदीसें लिखाया करते थे और हदीस जो है उनके जमाने में सदियों लंबी हो गई थी। चार चार रावी होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तीन तीन चार चार रावी होते। वो कहते हैं सुम्मा कला अलैना फिर उसके बाद दोबारे भी यानी कुछ अर्सा गुजरने के बाद साल दो साल गुजरने के बाद वही हदीसें हमें दोबारे सुनाएंगे फमा साद हर्फ वला नकसा हर्फ ना एक हर्फ का इजाफा किया था ना एक हर्फ की कमी की 11,000 हदीसें। ये तारीख उदाद और कामिल इब्न आदी में ये वाकया हुआ। इसी तरह इमाम इब्राहिम बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि इसहाक बिन राहवे उन्होंने जब अपनी किताब अल मुसनद पढ़ाई थी तो कुछ मजलिसों में मैं नहीं जा सका तो इन्होंने कहा कि आप मुझे दोबारे जो है वो मुझे सुनाए। तो कहते हैं कि उन्होंने भी मुझे दोबारे वो जो मजलिसें ले गई थी वो उन्होंने मुझे सुनाई थी। वो फरमाते हैं कान कल अमल अल मुसनद कुल्लहु मिन नफ्सी ये जो किताब इसहाक बिन राहवे ने लिखी थी जो अल्लाह ही जानता है 10 जिल्दों में थी 20 जिल्दों में थी सारी की सारी किताब उन्होंने जुबानी लिखाई है। और फरमाते हैं कोई गलती नहीं। इसी तरह इमाम अली बिन उमर दारकुतनी बगदाद के रहने वाले चौथी सदी में एक बड़े मुहदीस उन्होंने हदीस की एक किताब लिखी है। हदीस में अस्मा और रिजाल और उसूल हदीस इसकी बड़ी हैसियत है और उसूल हदीस में सबसे मुश्किल फंड जो है वो इलम हदीस। तो इमाम दारकुतनी अस्मा और रिजाल के भी इमाम थे हदीस के भी इमाम थे कुरान पढ़ने के भी इमाम थे कारी के बहुत बड़े बहुत बड़े आलिम थे उसूल हदीस के भी इमाम थे और इलम हदीस में जो उन्होंने किताब में की है ना इमाम दारकुतनी ने वो मेरी लाइब्रेरी में 16 जिल्दों में मौजूद इतनी बड़ी किताब 16 जिल्दों में। खतीब बगदादी लिखते हैं अपनी किताब में कि हमें इमाम बरकानी ने जो कि खुद बहुत बड़े इमाम थे ये बताया था कि ये किताब किताब इलम सारी की सारी इमाम दारकुतनी ने मुझे जुबानी लिखा दी। एक दो अल्लाह ताला ने वो दिसीम के हाफ़िज़ों के साथ हदीस को महफूज़ रखा इसकी निशान निशान नहीं मिलती दुनिया में। दूसरा तरीका है हदीस पर अमल के लिहाज से अल्लाह के फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर सहाबाए किराम हदीस पर अमल करते थे ताबीन अमल करते थे तो बताबी अमल के जरिए भी हदीसें सामने अब देख लें अल्लाह के फजल से अगर हदीस बचा होगा नमाज पढ़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक और कोई नियत करेगा हदीस में सुबूत जो दुआएं हैं नमाज में वो सारी जो है हदीस में। तीसरा तरीका यह है कि हदीसें लिखी गई कागज पर
चमड़े पर, हड्डियों पर, मुख्तलिफ चीजों पर। तो मुझसे सवाल किया गया कि हदीसें कब लिखी। इस सवाल का जवाब सही बुखारी में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदसना अली इब्न अब्दुल्ला, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमें ये हदीस इमाम अली बिन अब्दुल्ला बिन जाफर इमाम इब्न मदीनी ने ये सुनाई थी। कहा हदसना सुफियान, वो कहते हैं कि हमें ये हदीस इमाम सुफियान बिन उयैना ने सुनाई थी। कहा हदसना अमर, वो कहते हैं हमें ये हदीस अमर बिन दीनार ताबी ने सुनाई थी। वो कहते हैं कि अखबरनी वाह इब्न मुनब्बे, वो कहते हैं कि मुझे ये हदीस यमन के जो इमाम वाल थे वाह मुनब्बे ताबी उन्होंने सुनाई थी। अल अखी है, वो अपने भाई हमाम बिन मुनब्बे से बयान करते। قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه, वो कहते हैं कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मा मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद अक्सर हदीसन अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा हदीसें बयान करने वाला कोई नहीं। अबू मिन्नी मुझसे ज्यादा बयान करता इल्ला मा काना अन अब्दुल्लाह बिन अमर, सिवाय इसके कि जो अब्दुल्लाह बिन अमर बयान करते थे, मैं अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस एक दूसरे साहबी है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझसे ज्यादा हदीसे बयान करने वाला कोई नहीं सिवाय अब्दुल्लाह बिन अमर की। फइन्नहु काना यक्तुबु वला अक्तुबु, वो हदीसे लिखते थे और मैं नहीं लिखता। ये सही बुखारी में 113 नंबर हदीस है। इससे साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीसें की जाती। ये जो कहते हैं ना परवेजी का मुनकरीन हदीस के 250 साल बाद उनको तो बात नहीं समझ। आपको एक और खुशखबरी सुनाऊं, इस हदीस के रावी जो हमाम बिन मुनब्बे हैं ये यमन से सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पढ़ने के लिए आए। इन्होंने सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत सी हदीसें सुनकर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है अस-सहीफा, सहीफा तो हमाम अस-सहीफा तो सहिया। उस पूरी किताब में वो कहते हैं कि हमें ये हदीस अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने सुनाई, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। इस पूरी किताब में एक हदीस भी सही है, क्योंकि लिखने वाला भी सच्चा इमाम है और उसके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ एक वास्ता साबित है। ये 200 साल से 250 साल से मुसलमान सारे कमजोर हुए दुनिया में, ऐसे ताहूत किस्म के कुरान आए ना जिन्होंने मुसलमानों को जलील किया और काफरों ने मुसलमानों पर कब्जा किया। मुसलमानों के इलाके में जो कुछ था वो लूट के लेते यूरोप, इसी दुनिया के माल में से ये हमाम बिन मुनब्बे की किताब भी थी। ये किताब इस वक्त जर्मनी में मौजूद है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने जर्मनी से बर्लिन से इस किताब का कदीम पुराना नुस्खा, सदियों पुराना नुस्खा वो लेके शाया कर दिया। ये सहीफा हमाम छपी हुई किताब हो गई, पहली सदी हिजरी की साबी की लिखाई हुई किताब इस वक्त दुनिया में मौजूद। साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और सहाबा के जमाने में हदीसें लिखी जाती। सही बुखारी की इस हदीस की तशरीह में दूसरी हदीस में आपको सुनाता हूँ जो सुनन अबी दाऊद में है और दूसरी और बहुत सी दाऊद, और ये हमें सुनी भी होगी क्योंकि आम वाले हदीस रुवा इस हदीस को बयान करते हैं। फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला ये फरमाते थे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिख लेता था, यानी अपने पास कागजों पर किताब लिख लेता था। लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते हैं कभी खुशी में होते हैं, हर बात का लिखा था, तो मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर मैंने जिक्र किया या किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया आप इसको मेरे के साथ आपने लिख दिया।
फरमाया उत्कुब ए अब्दुल्ला मेरे अबर लिख मेरी हदीसें लिख दिया था फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही उस जात की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है जिसके हाथ में मेरी जान मा यखरुज मिन इल्ला हक मेरी इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं है इस रात की सब बिल्कुल सही तो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखते थे उनमें से ये मजमूआ हमारो नबी का वजूद है इसके अलावा बाद में इमाम ज़ोरी की किताबें थी इमाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार इमाम मगाज़ी जो कि हदीस के सच्चे इमाम में से इमाम है उन्होंने किताब लिखी थी अस्सीरा रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत के बारे में इस किताब का एक हिस्सा जो है इस वक्त तो मिल गया है बाकी तो तारीख में ज़ाया हो गया वो जो हिस्सा मिला इतनी मोटी किताब है कोई 700 से ज़्यादा सफ़ों की किताब उसमें हदीसें तो वो किताब इस वक्त छपी हुई दुनिया में मौजूद है ये उस जमाने की बात है जब इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे जब इमाम मुस्लिम पैदा नहीं हुए थे अबू दाऊद तिर्मिज़ी नसाई इब्न माजा पैदा नहीं हुए थे उस वक्त ही इसी तरह बाद में इमाम मालिक ने मौत आई इमाम मालिक लिखी और बहुत से मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी और मौत आई इमाम मालिक तो मेरी ताकीद से छपी हुई उसकी शरह भी उस वक्त भी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम अबू दाऊद तिर्मिज़ी वगैरह कोई पैदा नहीं हुआ था जब इमाम मालिक ने मौत आई मालिक लिखी बल्कि जब इमाम मालिक बहुत तो गया उस वक्त भी कोई इनमें से पैदा नहीं तो ये प्रोपेगेंडा करना कि हदीसें 250 साल बाद लिखी गई ये बहुत बड़ा झूठ ये जो इमाम थे इमाम मालिक के अलावा इमाम शाफी उन्होंने किताब उलूम लिखी इमाम अहमद बिन हंबल ने किताब अल मुसनद लिखी मुसनद इमाम अहमद इमाम इब्न अबी शैबा ने मुसनद लिखी इमाम अब्दुल रज़ाक ने मुसनद लिखी इमाम अबू दाऊद तियासी ने मुसनद लिखी कितनी किताबें जो है वो लिखी थी और दुनिया में मौजूद है छपी हुई मौजूद लिहाजा ये पहला जो सवाल था इस सवाल का जवाब जो है वो मैंने दे दिया कि हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखी गई सहाबा इकराम के ज़माने में लिखी गई बाद में लिखने से भी महफूज रही है जुबानी हफ्ज़े के साथ भी जो याद रखी उनके हफ्ज़े बहुत मजबूत थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हफ्ज़े ही सरक लिए वो हदीसें छोड़े उनके बारे में दोबारा दोबारा कहते हैं तो उनको अपने गोहों के नाम याद हो रहे कि ये घोड़ा किस नस्ल का है अरबों के अंदर उनको अपने जो है अपने शजरा इज्जत सब याद होते थे अपने गोहों के नाम याद होते थे ऐसे ऐसे उनके जो है वो हफ्ज़े थे इसी तरह इन पर अमल भी करते थे बाद में और भी बहुत सी किताबें थी जो इनके लिखी थी मुख्तलिफ उलमा ने इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की किताबें इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं इमाम हुज़ैर बिन रज़वान की किताब मौजूद है दूसरी बहुत सी किताबें मौजूद हैं तो ये पहले सवाल का जो जवाब है ये मैंने आपके सामने दलाइल के साथ हवालों के साथ और इसमें हाल हवाला बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है हसन लिजाती या सही लिजाती सनद हसन लिजाती तो मैं मान रही हूं दूसरी बात जो है वो सवाल वो ये है कि वो हदीसी ने हदीस के उसूल के लिए क्या मुशक्कतें उठाई क्या तकलीफें उन्हें मिली मुहद्दिसीन इकराम ने हदीस के लिए अपना माल और दौलत कुर्बान किया अपने इलाकों से सफर किए गांव गांव शहर शहर इलाका इलाका फिरते रहे चलते रहे दुनिया में और ये कोई मामूली बात नहीं इसमें कई कई साल लग जाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें तलाश करते खतीब बगदादी ने किताब लिखी किताब और रहला फी तलब हदीस के हदीस के लिए सफर करना
और इसमें सही हदीसें लाए, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलक तरीकन यल्तमिसु फी इल्मन, जो आदमी भी किसी ऐसे रास्ते पर चलता है जिसमें जाकर वो इल्म हासिल करेगा, इल्म के और कुरान हदीस के इल्म से बड़ा इल्म है और है क्या दूसरे? ठीक है इल्म हासिल करके चलिए अच्छे इल्म, लेकिन सबसे बड़ा जो इंसान को अजाब से बचाने वाला इल्म है वो कुरान और हदीस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जन्नत की तरफ रास्ता साफ। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं भूखा प्यासा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था, भूखे हैं प्यासे हैं कुछ भी नहीं है, मस्जिद नबी के करीब असाबे सुफा में शामिल रहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जो याद करें, आपको देखें आपकी जो जितनी अदाएं हैं उन्हें याद करें ताकि जो है बाद में उम्मत तक पहुँचा सके। तो हम आते हैं कि मुझे जो है बस यही मकसद था, इसके लिए भूख प्यास बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, हत्ता के अगर कतल भी कर दिया गया तो वो भी किताबों सुनत पर टके रहे होते। इमाम नुहैम बिन हम्माद रहमतुल्लाह अलैह हदीस के इमामों में से एक इमाम थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें कहा गया कि कुरान को मखलूक कह दो कि ये कुरान ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मखलूक के बंदे का बनाया वो कलाम है। उन्होंने कहा नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। उन्हें जेल में शहीद कर दिया गया, जेल में उनकी पर जो है वो मौत आई, उनका जनाजा नहीं पढ़ने दिया जहमी कुरान ने। इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े लगाए गए, इमाम अहमद बिन नसर अल-खुज़ाई उन्हें शहीद किया गया। ये सारी बातें मुहद्दिसीन इकराम को अब उनके जो कदम थे किताब और सुन्नत के लिए जो उनके चलने वाले कदम थे उन्हें जरा भी डरा न सकी, बल्कि वो इस मैदान में आगे रहे, मुसलसल किताब और सुन्नत का झंडा सर बुलंद करते रहे, सफर करते रहे। इमाम फिरोज इब्न दिल्ली सैयद सहाबी बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मुझे पता चला कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस बयान करते हैं। ये उस वक्त फलस्तीन में थे, वो कहते हैं मैंने सवारी ली और अब्दुल्लाह बिन अमर की तरफ सफर शुरू किया। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त ताइफ में थे, ताइफ मक्का से कोई 17-18 किलोमीटर के बाद बहुत दूर इलाका है, वहां से फलस्तीन से सफर करके पता नहीं कितने दिनों में पहुंचोगे, कितने हफ्तों में या महीनों में पहुंचोगे। जाकर कहा कि मैं आपके पास आया हूं और आपसे उस हदीस के बारे में पूछने के लिए आया हूं जिसमें आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शराब पीता है तो उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती, शराबी आदमी। इसकी सनद बिल्कुल सही है, सही इब्न हिबान ने किताब अल-अख़लाक़ में, दूसरी बहुत सी किताबों में। तो सहाबा इकराम ने इस तरह जो है वो सफर किए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा इलम वाला उनके जमाने में कोई नहीं था। उन्होंने इलम हासिल करने के लिए यमन की तरफ सफर किया, मिस्र की तरफ सफर किया, शाम गए, बसरा गए, कूफा गए, यानी कभी इराक में, कभी जज़ीरतुल अरब में, कभी यमन, मुख्तलिफ इलाकों के सफर किए और फरमाया कि वो इलम के रावियों में से थे और इसके मुस्तहिक थे। उन्होंने बहुत हदीसें जमा की और इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो उन्होंने हदीस की बहुत सी किताबें लिखी, किताब ज़ुहद व नकात, किताब बिर व सिला, इसी तरह और भी जो है उनकी किताबें हैं। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वो एक साल
मैदान जंग में काफिरों के खिलाफ जिहाद करते थे, काफिरों के खिलाफ जंग करते थे, और दूसरे साल मक्का आ जाते थे और आकर हज करते थे और लोगों को हदीस पढ़ाते थे। उनकी सारी जिंदगी सुनाई, उन्होंने अपना सारा माल इसी मकसद के लिए कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन को पढ़ने पढ़ाने और जिहाद के लिए। तो मुहद्दिसीन इकराम ने हदीस के उसूल के लिए बड़ी जो है वो तकलीफें बर्दाश्त की, बड़ी जो है उन पर सख्ती आई, बाद उनमें शहीद भी कर दिए गए, लेकिन वो इसी मैदान में डटे रहे, इसी मैदान में वो खड़े रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है हदीस की हिफाजत की। अब हमारे दौर में तो छपी हुई किताबें मार्केट से ले आए, जिसको अल्लाह ने माल और दौलत दिया वो तो किताबें सारी इकट्ठी करके वो मसले देख सकता है। आजकल तो ये भी आसानी हो गई है कि मुस्तफा शामला जो है वो कंप्यूटर में आ गया है, बस उसने अभी बटन दबाया तो बहुत कुछ फाइन हो जाए। पुराने दौर में तो ये बात नहीं, पुराने दौर में तो लोग अपने हाफजों की वजह से मसाइल निकाला करते थे, बड़ी मेहनत करते थे। ये दो जो है वो सवाल उनका जवाब हो गया। तीसरा सवाल ये है कि मुहद्दिसीन के हाँ हदीस की है क्या अहमियत है, मुहद्दिसीन कहते हैं आले हदीस को, और मुहद्दिसीन या आले हदीस की दो किस्में, एक है हदीस के रावी, हदीस रवायत करने वाले, सारे सहाबा हदीस की रवायत करने वाले, ताबीन भी तबा ताबीन भी सारे रावियां आले हदीस, इसलिए मुहद्दिसीन को आले हदीस कहा जाता है। हमारे पास एक किताब मौजूद है मोहम्मद इदरीस कांदरवी साहब की, किताब का नाम है लालमन इज्तिहाद व तकलीफ, उसमें ये लिखा हुआ है कि मुहद्दिसीन इकराम, उन्होंने लिखा हुआ है कि तमाम सहाबा आले हदीस, दूसरा जो आले हदीस का मतलब है या मुहद्दिसीन का, वो हदीस पर अमल करने वाले। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साहिबुल हदीस इंदना मन यस्तामिल हदीस, हमारे नजदीक वो आले हदीस है जो हदीस पर अमल कर रहे हैं। ये हवाला इस खतीब उदादी की किताब अल जामे में, अल जामे भी अखलाक रावी व आदाब सामे में सही सन से मौजूद, इब्न जौजी की मनाकिब अल इमाम अहमद में मौजूद है, इसी तरह समानी की अदब अल इमला व अल इस्तिमला में मौजूद है। मुहद्दिसीन के नजदीक हदीस की रवायत भी और बराबर भी ये इंतहाई जरूरी बात है, इस वजह से वो अमल करते थे और यही उनके नजदीक अहमियत है। आप देख लें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की वो रवायत में बयान किया करते हो अपने दुरूस में, जिसे इमाम मोहम्मद बिन साहब ने अपनी किताबों सीरा में बयान किया है, फरमाते हद्दस अली इब्न शहाब अज़ोरी قال حدثني عن رسول الله مالك رضي الله تعالى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے, جب لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی تو انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان خطبہ سیرت ابن اسحاق میں محفوظ اور صحیح سند کے ساتھ, اصل نزاد کی سند کے ساتھ, فرماتے ہیں لوگوں آج سن لو کہ تم میں جو امیر آدمی ہے آج میرے نزدیک وہ انتہائی غریب اور کمزور ہو, یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے پیسے زیادہ دیے تو پھر اس کی بات مانی جائے, ظلم ہو شروع ہو جائے, غریبوں کے ساتھ ظلم ہو جس طرح ہمارے ابو میں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوگا. جو امیر ہے لینڈ لارڈ ہے جاگیردار ہے وہ میرے نزدیک وہ کمزور ہوگا, اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اور فرمایا تم نے جو غریب ہے کمزور آدمی ہے وہ میرے نزدیک انتہائی طاقت والا آدمی ہے, اس کی عزت ہو.
फिर फरमाया अतीउनी मा अतातुल्लाह व रसूलहु, जब तक मैं अल्लाह और रसूल की इताअत करता रहूं, कुरान और हदीस पर अमल करता रहूं तो मेरी इताअत करना है, फिर मेरे हुक्मों पर अमल करना। फैजा असैतुल्लाह व रसूलहु, और अगर मैं अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करूं, फला ताअत ली अलैकुम, फिर मेरी कोई इताअत नहीं। सैयदना अबू कसदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने समझा दिया कि कुरान और हदीस पर अमल करना है और कराना भी, और कुरान और हदीस के मुकाबले में किसी की कोई इताअत नहीं। तकलीफ के तो प्रखचे उड़ा दिए। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे सही बुखारी के अंदर हदीस 1563 नंबर, फरमाया करते थे मा कुंत लियादा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूजा, मैं किसी के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं छोड़ता। इतनी मोहब्बत करने वाले, उनके नजदीक हदीस का एतराब था, और ये एतराब सहाबा के दौर में, ताबीन के दौर में, तबा ताबीन के दौर में, बाद के दौरों में मिला। इसके लिए अगर किसी ने हदीस की मुखालफत की है तो उसके साथ वो सख्ती से पेश हुई। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे को मारा था जिसने हदीस की मुखालफत की। इसी तरह इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद अहमद, सारे उलमा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तरजीह दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ फतवा दूं तो फिर समझो कि मेरा दिमाग जो है वो फेल हो चुका है। लोगों का इस तरह उन्होंने अकीदा बनाया, इस तरह अकीदा बनाया कि आदमी जो है हैरान हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे आमिर बिन शाहीन, जो कि बहुत बड़े ताबी थे, फरमाया करते थे मा हदसुका हाउलाए हद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाए, फखुज में ही उसको मजबूती से पकड़ लिया। हदीसें पढ़ाते थे, हदीसें लिखाते थे, पढ़ते थे, उन पर अमल करते थे। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने काफी मेरे जिक्र किया, जो कि एक साल जिहाद करते थे और एक साल हदीस पढ़ाते थे। उनसे किसी ने पूछा ये इमाम बेकी की किताब अल मदखल में लिखा हुआ, किसी ने पूछा कि अगर आपको पता चल जाए कि मैं आज के दिन मरने वाला हूं, शाम तक मेरी कुल जिंदगी है, शाम के बाद मैं मर जाऊं, अगर किसी तरीके से मौत का वक्त पता चल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा लो कील लका, लो कील लका लम यलका मिन उमरिका इल्ला यौमुन वाहिद मा कुंत सालियन, फिर आप क्या करने वाले हैं अगर आपको ये पता चल। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, फरमाया कुंत अजलिसु उअल्लिमुन नास, फिर मैं बैठ जाऊंगा किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में बैठ जाऊंगा, लोगों को दीन सिखाना शुरू कर दूंगा, लोग अल्लाह दीन की बात है, इल्म की बात है, लोगों तक पहुंचाना शुरू कर, यानी उनका ये इरादा, ये उनका पूरा नस्लेत था कि रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मुझे एक वाकया याद आ गया जिसे तारीख बगदाद में और तकल्लुमुल जर्ह तारीख उसी बहुत से किताब में लिखा। हदीस के इमामों में से एक इमाम थे जिनका नाम था अबू जुरा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल करीम अल राजी रहमतुल्लाह। इस इंसान को भी लाखों हदीसें याद, इसका बड़ा अजीम शान आप सब।
ये इमाम जो है जब बीमार हुए, आखिरी बीमारी भी मौत वाली बीमारी, तो चारपाई पर पड़े थे और इनके जो शागिर्द थे या दोस्त थे वो इर्द गिर्द खड़े थे, सारे लोग परेशान थे, आंखों से आंसू बह रहे थे कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इमाम, ये इमाम बुखारी के दौर की बात है, इस दुनिया से जा रहा, मौत का वक्त था। किसी ने कहा को कलमा याद देना चाहिए। आपको ये मसला पता होगा कि मरने वाला जो है ना उसको मौत के वक्त अगर वो कलमा पढ़ ले तो उसकी बड़ी फजीलत आई है, और ये उस आदमी के लिए आई है जो यादों में सही तो नहीं था और मरते वक्त कलमा पढ़ता है, किताबों सुनत मानने वाला, और अगर काफिर था तो फिर अपने कुफर से तोबा करेगा, अपने कुफर शिरक से तोबा करेगा, फिर ये कलमा पड़ेगा तब उसे फायदा होगा। एक मिर्जाई अगर पढ़ता है तो उसे कोई फायदा नहीं, जब तक मिर्जा कादियानी को काफिर ना समझे, उसकी झूठी नुकूरत का इनकार ना करे। तो मुहद्दिसीन में से एक इमाम थे मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन वाला, उन्होंने वो हदीस पढ़नी शुरू कर दी। इस हदीस में आता है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा जन्नत जाएगा, लेकिन दो तीन ऐसी हालतें होती हैं कि इंसान भूल जाता है, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो, कभी बहुत ज्यादा खुशी हो, या काम की ऐसी हालत में इंसान का जो है वो गलती लगी शुरू। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से में थे तो नमाज दो रकात पढ़ाकर कहने के लिए जोर या साफ हो गया, तो उस मुहद्दिस को भी जुबान पर खड़ाने लगी। तो अबू ज़ुर्रा रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सुन लिया कि ये मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عليم عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه سند کوئی یہ لمبی سند ہے اللہ کرے میرے صحیح یاد رکھی ہو میرے کو تو سب ہی رہے फिर आगे पढ़ा कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काल आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका आखिरी कलाम दुनिया से जाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये कहा और सर रख दिया, थोड़ा सा सर खाया करता किस रख दिया रू निकल गई। इसी के साथ ही उनका दुनिया से फुटू हुआ, उनकी परेशानी पर पसीना ही पसीना मिला। तो वो किसी ने हदीस का कितना ख्याल रखा, बचपन से लेकर मौत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब हदीसें ये याद करते हैं, इसी पर जो उनका खात्मा। तो भाइयों ये कोई हदीस, ये कोई मजाक वाली बात नहीं, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका। और यही वजह है कि आप देखें ईसाइयों के पास ईसा अलैहि सलाम की सीरत का कोई सबूत नहीं, ये जो इंजील थी उनके पास है चार इंजील, इनमें से एक इंजील यूहन्ना की है जो अनपढ़ था, ये किसने लिखी कोई पता नहीं। एक इंजील है मुरक्कस की, ये ईसा अलैहि सलाम का हवाली नहीं है। एक इंजील लूका की, ये भी ईसा अलैहि सलाम का हवाली नहीं है। और एक इंजील जो है वो उसकी है मती की, एक इसकी। तो ये इंजील ना तो इनकी सनद ना ईसा अलैहि सलाम को देखने वाले कोई सबूत नहीं। मुसलमानों के पास तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदा उसका जो है वो सबूत नहीं, और सहाबा इकराम का ताबीन का हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह काला पड़ता मानते थे, ये भी सनद के साथ हमारी किताब में लिखा।
इसलिए तो हम ये कहते हैं मैं तो ये चंदा होता है कि जरीफ हदीसें छोड़ दो, सही हदीसें जो है याद करके बयान करो। वो तसीम के बारे में जो जरीफ हदीसें आप ही बयान करें, वो जो इमाम बुखारी के बारे में मशहूर है कि उनकी बचपन में नजर चली गई थी, फिर वहां पर एक रहमत साहब ख्वाब में देखा था, कोई साबित नहीं। तो हम ऐसी कच्ची बातें नहीं बयान करते। ये आखिरी जो चौथा सवाल है जो मुझे मुकर्रम जाहिद साहब ने ये मुतालबा किया था कि ये चार सवाल हैं और चार इनके मुताबिक जो है आपने जुमे का खुतबा देना है, तो मैं एक तो वक्त की पाबंदी करता हूँ हमेशा, और दूसरा जो है वो मौजू की पाबंदी। चौथा सवाल ये है कि मुकल्लिदीन और हदीस, मेरी गरीबी तो बार मेरे पास की और आपकी गरीबी में लेना चाहिए इसमें हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन बात में बगैर हवाले के नहीं, किसी को अगर तकलीफ है तो बाद में नमाज के बाद सुनूं बस कि वो कलेबी और हदीस। सुनन अबी दाऊद में 4361 नंबर पर ये सही हदीस है कि एक आदमी ने एक औरत को कत्ल कर दिया इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाफी कर दी, गाली दे दी। तो आपने फरमाया अला इशहदु, सुन लो गवाह हो जाओ, अन्न दमा हर, कि इस औरत का खून लगा गया हजूर किया है, तो कोई उसके हैसियत नहीं। पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला जो शख्स है उसे कत्ल किया जाएगा। अगर वो मुसलमान था तो मुर्तद हो गया, कत्ल किया जाएगा, और अगर वो मुर्तद था पहले से ही काफिर था, यहूदी ईसाई था, तो फिर भी उसके बेसिक राइट्स खत्म हो गए, बुनियादी हकूक खत्म हुए, हम उसे कत्ल किए। अब देखेंगे मुकल्लिदीन क्या कहते हैं। हिदाया किताब है मुकल्लिदीन की जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, हिदाया का नाम सुना होगा, मुल्ला मदीनानी की किताब, उसने लिखा है वमन तमा मिन अलजिजिया, जो आदमी जिजिया देना इससे रुक जाए ना दे जिजिया। ये जिजिया वाली बात तो आज हम सुनते ही नहीं, मुसलमानों की किसी मुल्क में भी ये ताबूत जो है किसी मुल्क में भी कुफार से जिजिया नहीं देते, उल्टा मुसलमानों से जिजिया देते। हम अगर एक कार्ड मोबाइल में लोड करेंगे तो 20 रुपए जिजिया हमसे ले लिया, इस तरह और भी उसको टैक्स कहते हैं, हालांकि टैक्स बहुत बड़ा गुनाह है, टैक्स जो है कबीरा गुनाह है, सजा से बड़ा गुनाह है, टैक्स बिल्कुल जायज मुसलमान पर, हुकूमत चलती है चले नहीं चलती खत्म होती हो जाए, टैक्स बिल्कुल जायज और मुसलमानों से टैक्स लेते। सही मुस्लिम की हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लगा ताब तौबा, इस औरत ने ज़ानिया औरत ने ऐसी तौबा की, लो ताब आसाए वो बख्शे, अगर टैक्स देने वाला भी तौबा करता है इसी लघु फिर उसको माफ कर दिया। ओ कतल मुसलमान, या किसी मुसलमान को कतल कर दे, ओ सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे, या किसी मुसलमान औरत के साथ ज़िना करे, लम यंतक़िस अहदुहु, उसका वायदा नहीं टूटता, उसके बुनियादी हकूक नहीं खत्म होते। ये हिदायत जिन दो सफा 404 405 पर ये लिखो, इसी पर इत्तेफाक़ी किया है मुकल्लिदीन। आगे लिखा है अल बहरु लाइक जिन नंबर 5 सफा नंबर 115 पर इब्नु मुजहरम ने लिखा है, क्या लिखा है, नाम जी हाँ नफ्सुल मोमिने तमीलु इला कौलिल मुखालिफ, मोमिन पक्का मुसलमान जो है उसका दिल भी यही कहता है कि जो हमारे हकियों के जो मुखालिफ है इस मसले में वो सही, हकियों के मुखालिफ इस मसले में गाली वाले मसले में सही है, फिर मसला के सामने गाली के मसले में लेकिन इत्तबाअना लिल मज़हब वाजिब, लेकिन हमारे नबी हमारे मजहब पर अमल करना जरूरी है। कितना जुल्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस भी और इस बारे में वाज़ह सहाबा के आसार भी,
उसके बावजूद कैसी जुरत है कि कहता है कि बस हम तो चूंकि अपने मजहब पर अमल करते हैं इसलिए हम उस बात पर नहीं अमल करेंगे, हम उसे जो है उसके बुनियादी हकूक महफूज रखें। जाहिर के नाम से किताब मार्केट में मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पास जो नुस्खा है उसमें जिल्द नंबर 2 सफा 9 पर ये बात लिखी है। ये सुन ले, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मुकल्लिदीन हदीस के साथ क्या कर रहे हैं, क्या वो याद नहीं भी बरेली ने लिखा है। अब एक फैसला कुन जवाब अर्ज करते हैं वो ये कि हमारे दलाइल ये रिवायात नहीं, हमारी असल दलील तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है। हम ये आयत वो हदीस मसाइल की तारीख से लिख पेश करते हैं, हदीस की आयत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें साफ ने कहा कि कुरान की आयत और हदीसें नहीं हमारी दलील नहीं, हमारी दलील तो इमाम अबू हनीफा का कौन है। हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा ने तुम्हें ये कहा था कि मेरी दलील थी, वो तो कुरान हदीस को मानने वाले थे, वो तो क्यामत के दिन तुमसे बनी होगी। इमाम अबू हनीफा का एक वाक्या सही सनद के साथ जिसे अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल ने अपनी उसमें किताब सुन्नत में बयान किया है और इसी तरह उसमें भी है एक और किताब है 4 जिल्दों में मेरे पास, उसमें भी है और भी दूसरी किताब में तारीख उदाद और रबी अल-अव्वल है, उसमें कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू हनीफा से एक आदमी ने आकर मसला पूछा कि एक आदमी ने किसी बाग से फल चुरा लिए, मिसाल के तौर पर माल्टों का बाग है उसे फल चुरा लिया, उसके बारे में क्या हुक्म है। इमाम साहब ने फरमाया यूं तो उसका हाथ काटा जाएगा। इमाम अबू हनीफा के फतवे की दलील कुरान की आयत की चोर मर्द के और चोर उनके हाथ काट, कौन से हाथ काट दो ये हदीस से साबित है कि एक हाथ काटने से मुराद ये इतना हाथ काटना है, ये इतना हाथ काटना है, ये हदीस से साबित है कि इतना हाथ काटना है। ऐमान हो के भाग गया के बाद नमाज के दाएं हाथ काट, उस मजलिस में एक अहले हदीस आलिम थे इमाम अबू हनीफा, उन्होंने फरमाया कि हमारे पास एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन्होंने हदीस पढ़ी, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ता फी सबर, फल चुराने में हाथ नहीं काटा जाए। ये अब खास हदीस है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये हदीस सुनने के बाद फरमाते हैं ला युक्तो हाथ नहीं काटे जाएंगे, हाथ नहीं काटे जाएंगे, ये मेरा जो लिखा हुआ खतवा है तो काट। इससे पता चला कि इमाम अबू हनीफा तो हदीस को मानते हैं, इससे ये भी पता चला कि वो कुरान की हदीस के साथ तख़सीस के कायल थे, इससे ये भी पता चला कि जो लोग कहते हैं कि भाई खबरें वाले कुरान के खिलाफ नहीं मानेंगे इमाम अबू हनीफा इसके कायल नहीं। तो भाइयों ये चारों सवाल जो थे इन चारों सवालों के मेरे जवाब आपके सामने दे दिए अल्लाह के फजल करम से सही हवालों के साथ, और इंशाअल्लाह अगर किसी ने कोई मुताबिक के दवा में हवाला देंगे वह चुका ताकि खुतबे में संकत लिसानी से कोई अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं जो इंसान की बशरी कमजोरी है, उसके अलावा उसमें भी अगर कोई गलती हुई तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो हवाले दिए इंशाअल्लाह सब किताबों से हवाले पेश कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको सब मुसलमानों को किताब और सुन्नत वाले रास्ते पर चलाए और इसी पर हमारी जिंदगी हो, इसी पर हमारा खात्मा हो। वाकुल हो लिहाजा वस्तफुल्लाह अली वल सायल मुनीब आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद। मुझे किसी साथी ने कहा था कोई ऐलान करना है, मैंने भी कर दी है, इधर पता नहीं कौन सा मदरसा था तो नीचे चले गए, ये जो सवाल आए थे जो आबाद की इजाज़त से ये हो रहा है।